Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, आज जो हम अपना टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं वो कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल. लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की दो रिएक्शन हमने देख ली थी. ठीक है, कौन कौन से? एक तो हैलोजिनेशन एंड सेकेंड वन इज सल्फोनेशन. टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज दैट इज नाइट्रेशन रिएक्शन. नाइट्रेशन में क्या करेंगे आप, फिनोल है आपके पास, आप फिनोल को रिएक्ट कराओगे किसके साथ? HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ. ठीक है, तो आपका क्या बनेगा? आपको पता है फिनोक्स ये क्या है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है. ऑर्थो और पैरा पे क्या होगा, आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी. तो जब भी आप इसको HNO3 के साथ 298 डिग्री केल्विन पर रिएक्ट कराओगे तो आपका क्या मिलेगा, एक तो ऑर्थो पर आपको NO2 मिलेगा और एक क्या मिलेगा आपको, पैरा पर NO2. ठीक है, अगर मैं इनके परसेंटेज की बात करूं, ये आपका ऑर्थो प्रोडक्ट है, वो आपका पैरा प्रोडक्ट है, तो जो ऑर्थो वाले की परसेंटेज है वो लगभग कितने परसेंट बनती है आपकी, 40%, और ये आपका लगभग रहता है 13%. मतलब रेशो जो बनता है, यील्ड जो मिलती है प्रोडक्ट की, वो लगभग ये मिलती है. तो एज कम्पेयर टू आपका ऑर्थो जो है प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू पैरा प्रोडक्ट. ठीक है, अब देखो अगर हमारे रिएक्शन मिक्सचर में दोनों ही प्रोडक्ट बन रहे हैं तो इनको सेपरेट करना क्या है, थोड़ा सा हम इसको इनको इजिली सेपरेट कर सकते हैं. इनको क्या कर सकते हैं, इजिली सेपरेट कर सकते हैं कि हमें अगर ऑर्थो ही चाहिए या फिर पैरा ही चाहिए. अब किस कौन से मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, बाय स्टीम डिस्टिलेशन, बाय स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस. ठीक है, अब देखो हम ऑर्थो और पैरा को अलग अलग देखते हैं. ये आपका ऑर्थो प्रोडक्ट, ओ एच, और यहां पे क्या है, एन डबल बॉन्ड ओ एंड ओ नेगेटिव. ठीक है, तो ये आपका ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ. ठीक है, ये आपका ऑर्थो प्रोडक्ट, इन इसको मैं लॉक करती हूं. और ये आपका है पैरा प्रोडक्ट. ठीक है, तो देखो ऑर्थो में अगर मैं देखूं तो यहां पे आपकी क्या हो सकती है, अगर इसको आप चेक करोगे, इसके OH और इसके O के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है. और कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटर या इंट्रा, यहां जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो क्या है, विद इन द मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल में. तो जब विद इन द मॉलिक्यूल होती है तो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी होती है, क्या बोलते हैं उसको, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, क्या इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, नहीं है. इसमें कौन सी होगी, इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. अगर मैं इसको आपको पूरा डायग्राम दिखाऊं कैसे होगी, तो देखो ये आपका एक OH है, सपोज करो ये आपका फिनोल था, एक का NO2 ग्रुप इधर है, ये दूसरा फिनोल है, सॉरी, और पैरा पे क्या है आपका, ये OH, और इधर क्या है, N डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव. तो इसके ऑक्सीजन और इसके हाइड्रोजन में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. लेकिन यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, विद इन द टू मॉलिक्यूल है, तो ये क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर मॉलिक्यूलर. ठीक है, यहां पर दो मॉलिक्यूल आपस में अटैच है, यहां पर एक ही है. तो देखो जब ये ऑर्थो प्रोडक्ट है, इट मींस इस ये एक मॉलिक्यूल है, ऐसा ही जो दूसरा होगा तो ऑर्थो के बीच में क्या होगा, ज्यादा दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. मींस ये क्या होगा, इजिली वोलेटाइल होगा. क्यों, क्योंकि दो के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इजिली क्या कर जाएगा, स्टीम बना लेगा, बोल सकते हो इजिली, इजिली वोलेटाइल
लेकिन यहाँ दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, और ये क्या होगा, नॉट मतलब इजिली वोलेटाइल नहीं होगा, ठीक है। इट मीन जब आप इन दो मिक्सचर्स को आप हीट करोगे तो आपका जो ऑर्थो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, इजिली वेपर बना लेगा, और जब आपका पैरा है वो वेपर नहीं बनाएगा। तो आपने स्टीम डिस्टिलेशन के प्रोसेस से ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, ठीक है। तो ये आपका पैरा था, ठीक है। तो आप ये था आपका पूरा नाइट्रेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे आपके दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, लेकिन पैरा की अमाउंट क्या होती है, स्मॉल होती है, ऑर्थो की ज्यादा होती है। उसका रीजन भी यही है क्योंकि इसी मॉलिक्यूल में इसको क्या मिल जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नोट डाउन। तो स्टूडेंट देखो, अभी तक जो हमने क्वेश्चन नाइट्रेशन रिएक्शन देखी थी उसमें ऑर्थो और पैरा दोनों बने थे, पैरा की यील्ड क्या थी, कम थी, ठीक है। बट आपको पैरा प्रोडक्ट ही ज्यादा चाहिए तो आप कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन अलग है, ठीक है। तो ऑर्थो सॉरी पैरा नाइट्रोफिनोल अगर आपको मेजर प्रोडक्ट चाहिए तो आप क्या करोगे, देखो फिनोल को आप सबसे पहले ट्रीट कराओगे किसके साथ, NaNO2 प्लस HCl, ठीक है। तो यही ये आपको क्या देगा, मोनो देगा, आपको पता है NaNO2 HCl के साथ रिएक्ट करके आपको क्या देता है, HONO, आप इसको HNO2 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये यहां से क्या रिलीज करेगा, एक नाइट्रोसोनियम आयन बनाएगा और वो पैरा प्रोडक्ट पे आपका जाएगा। यहां से आपका क्या बनेगा, NO, इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोसोफिनोल। और अब आप इसका कंसंट्रेटेड HNO3 लो, ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जाएगा, ऑक्सीडेशन कराएगा, और एनओ का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, एनओ टू। तो अगर आपको पैरा प्रोडक्ट चाहिए तो आप ये वाली रिएक्शन फॉलो करोगे, ठीक है। जो पहले वाली थी तो उसमें तो आपके ऑर्थो और पैरा ही, और सेपरेट करने के लिए आपका कौन सा प्रोसेस है, स्टीम डिस्टिलेशन। वहां पे काफी बार क्वेश्चन आता है किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का या पैरा नाइट्रोफिनोल का। ऑब्वियसली बात है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल जो देखा था उसमें विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और पैरा वाले में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, और ऑर्थो वाले का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। इसीलिए वो क्या है, वोलेटाइल, पैरा वाला लेस वोलेटाइल, ठीक है। तो आई होप आप सबको नाइट्रेशन पार्ट समझ में आ गया होगा, तो ये सब नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स। वही अगर हम देखो, फिर आपने स्टार्टिंग में देखा जो नाइट्रेशन रिएक्शन आप कराते हो कंसेंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हो, अगर बेंजीन की आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ी थी नाइट्रेशन रिएक्शन, तो आपने नाइट्रेटिंग मिक्सचर लिया था H2SO4 प्लस में HNO3, तो वहां पे आपका NO2 ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे गया था। फिनोल में हमने डायरेक्ट क्या लिया, HNO3 लिया, तो हमारे ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बने। लेकिन अगर यहाँ पे आप वही नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज करते हो, ये आपका फिनोल, और आपने यहां पर क्या यूज किया है, यू हैव टेक कंसेंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसेंट्रेटेड HNO3, नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, और ये इतना क्या करेगा, एक साथ ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट में सारी पोजीशन क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, और सभी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या बन जाता है आपका, लग जाता है NO2। और ये हमने पी ब्लॉक में भी काफी बार पढ़ी है, हेलोएल्केन हेलोएरीन्स में भी देखा था, पी ब्लॉक में देखा था, ये क्या था, पिक्रिक एसिड, 1 2 3 4 5 2 3 5 ट्राई नाइट्रोफिनोल, 2 3 5 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ठीक है, जो एक्सप्लोसिव बनाने के काम में आता है। तो ये याद रखना, जब आपको ये बनाना है तो आपको H2SO4 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अवर नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ये आपने बेंजीन में भी पढ़ा था, सेम अल्काइलेशन आप ले रहे हो, तो असाइल क्लोराइड ले लो, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट सॉरी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, असाइलेशन नहीं है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो क्या करोगे आप,
जैसे आपने बेंजीन को जब आप कराते थे इलेक्ट्रोफिलिक में तो आप क्या लेते थे, CH3Cl, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3, यहां पर क्या है, फिनोल है। तो सिमिलरली ये जो CH3 ग्रुप है ये ऑर्थो और पैरा पे आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से Cl- जाएगा तो यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो क्या होगा, CH3+। और मैकेनिज्म ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आप सबको और आप 11th क्लास में भी पढ़ चुके हो। तो क्या तो CH3 पे जाएगा, सॉरी ऑर्थो पे जाएगा या फिर ये पैरा पे जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी होगी, फ्रिडल का एल्काइलेशन। फ्रेंड्स नेक्स्ट इज कपलिंग विद डाइजोनियम सोल्ट। देखो डाइजोनियम सोल्ट आपको पता है क्या होता है, बेंजीन के ऊपर N2Cl, ठीक है, ये आपका क्या है डाइजोनियम सोल्ट, इसके पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव, इसको आप ट्रीट करा रहे हो किसके साथ, फिनोल के साथ, ये आपका क्या है फिनोल, ठीक है। तो ये यहां से किस मीडियम में, स्लाइटली अल्कलाइन, ज्यादा नहीं होना चाहिए, स्लाइटली अल्कलाइन मींस pH 9 to 11, ठीक है। तो यहां से क्या होगा आपका, ये HCl, सॉरी फिनोल बेटा इधर FOH इधर है, यहां से क्या निकल जाएगा आपका माइनस HCl, ठीक है। तो आपका क्या बन गया यहां पे, ये N, ठीक है, और ये तो दोनों है, HCl निकलेगा तो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, N डबल बॉन्ड N। इसी टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। और जनरली इस ग्रुप को हम एजो ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। एजो ग्रुप क्या होता है, आपके डाइज बनाने में काम है। तो ये वाली जो डाइज बनती है जब आप बेंजीन डाइजोनियम को फिनोल के साथ कराते हो तो ये ऑरेंज डाई होती है, ऑरेंज डाई, ठीक है। तो ये आपका OH, तो ये ऑरेंज कलर की डाई होती है, याद रखना। ये जो बेंजीन डाइजोनियम, जब भी देखो डाइजोनियम वाला ये पार्ट किसी के साथ रिएक्ट करता है वो एजो ग्रुप बनाता है, वो डाई कलर होता है। तो आगे हम टेस्ट के लिए बार बार इसको करेंगे कि ये एजो डाई बनाता है ये नहीं बनाता है, ठीक है। तो अभी तो आपको ये देखना है कि इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन। फ्रेंड्स अवर नेक्स्ट रिएक्शन इज कोल्ब्स रिएक्शन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो नेम रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब जो दो नेम रिएक्शन आएंगे इससे आगे आएगी और एक ये है कोल्ब्स रिएक्शन। कोल्ब रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन बिटवीन किसके बीच में, सोडियम फिनोक्साइड। देखो फिनोल से आप एच हटा के क्या लिया हो, एन ने लिया, तो सोडियम फिनोक्साइड। रिएक्शन बिटवीन सोडियम फिनोक्साइड विद CO2। लेकिन कितने टेम्परेचर पे आप CO2 और सोडियम फिनोक्साइड को क्या करोगे, हीट करोगे एट 400 केल्विन, एट 400 केल्विन। और यहां पे जो प्रेशर होगा आपका, प्रेशर कितना होगा, 4 to 7 ATM। तो आपकी किसकी फॉर्मेशन होगी, आपकी सैलिसाइल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। क्या बोलोगे आप, सॉरी सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। इसी रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, कोल्ब्स रिएक्शन बोलते हो, ठीक है। अब देखो सैलिसिलिक एसिड क्या होता है पता लग जाएगा आपको अभी, इसका ये कॉमन नेम है, IUPAC नेम भी मैं अभी बताऊंगा। आपने क्या कराया, ये आपका क्या था, OH था, फिनोल से आप क्या बना सकते हो, ON ने पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो आपने सोडियम फिनोक्साइड को किसके साथ ट्रीट कराया, CO2 के साथ ट्रीट कराया। और मैंने आपको कंडीशन क्या क्या बताई, टेम्परेचर 400 केल्विन, प्रेशर 4 to 7 ATM, ठीक है। तो आपका क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। अब सैलिसिलिक एसिड में क्या होगा, देखो पहले तो आपका क्या बनेगा, जब आप इसको CO2 के साथ ट्रीट करा रहे हो तो आपका ओ
NaOCOOH, ठीक है। और अब आप इसको किसके साथ ट्रीट करा दोगे, डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करा दोगे, तो यहां से Na निकल जाएगा, यहां पे क्या बन गया आपका फिनोल, और यहां क्या आ गया COOH। इसी को हम क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। बेटा नेम पता होना चाहिए इसका, कॉमन नेम फिनोल के साथ और टू पोजिशन पर ही क्या हो, अगर COOH ग्रुप हो तो क्या होता है सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। आप पहले इतना नोट डाउन करो बेटा। अगर आप मैं इसके IUPAC नेम की बात करूं, देखो आपके पास क्या है COOH ग्रुप है, OH ग्रुप है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर आप किसको दोगे, कार्बोक्सिलिक को दोगे, तो नंबरिंग कहां से करोगे, यहां से जब प्रायोरिटी ऑर्डर में ये आ गए तो इसको नंबरिंग हम क्या करेंगे, 1, और ये क्या होगा आपका 2, ठीक है। तो अब हम इसको फिनोल नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, जब प्रायोरिटी इसको दिए तो बेंजीन के ऊपर अगर COOH ग्रुप हो तो हम इसको क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड, और अगर बेंजीन के ऊपर OH हो तो फिनोल। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है प्रायोरिटी ऑर्डर को COOH को दिया गया, तो ये क्या बना, बेंजोइक एसिड, इतना पार्ट क्या है बेंजोइक, और टू पोजिशन पे क्या है OH, तो उसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोक्सी। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, 2-hydroxy, 2-hydroxy बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है बेटा। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके यूजेस हैं कि ये अब बेंजोइक एसिड कहाँ कहाँ यूज आता, कहाँ कहाँ यूज होता है, अभी हम वही देखने वाले हैं। तो अभी तो आपको याद रखना है कोल्ब्स रिएक्शन क्या थी, व्हेन सोडियम फिनोक्साइड हीटेड विद CO2, कितने टेम्परेचर पे, 400 केल्विन पे, कितने प्रेशर पे, इतने प्रेशर पे, ठीक है। और फिर बाद में आप HCl की प्रेजेंस में क्या कराओगे, मीन्स आप हाइड्रोलिसिस बोलो, HCl डालोगे तो ये Na निकल जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। फ्रेंड्स देखो जो आपका यूज है सैलिसिलिक एसिड का, फर्स्ट यूज इज दैट इज टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एस्प्रिन। अब देखो एस्प्रिन क्या होता है, एस्प्रिन इसलिए यूज किया जाता है अगर आपको कोई बॉडी पेन है तो मेडिसिनल यूज है इसका, ठीक है। एस्प्रिन वो सब्सटेंस होता है जो आपकी बॉडी को रिलीफ, पेन से रिलीव करे, और आपका अगर कोई बॉडी टेम्परेचर है, फीवर है, तो उसको क्या करे, डाउन करे, तो ये आपका एस्प्रिन का रोल है। तो उसी एस्प्रिन को बनाने में आपका क्या यूज होता है, सैलिसिलिक एसिड, और सैलिसिलिक एसिड आपका क्या था, फिनोल, ठीक है। सॉरी ये फिनोल तो नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया था COOH, तो ये क्या था, 2-hydroxybenzoic एसिड। अगर 2-hydroxybenzoic एसिड को आप किसके साथ ट्रीट करा दो, आप ट्रीट करा दो एसिटिक एनहाइड्राइड। आप बोलोगे मैम एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, देखो एसिटिक एनहाइड्राइड ये होता है, अब बना कैसे वो भी बताती हूँ। देखो एसिटिक बोलने का मतलब एसिटिक एसिड होगा, और एनहाइड्राइड मतलब उसमें से मॉइस्चर रिमूव हो गया। तो देखो मैं यहाँ पे इसकी प्रिपरेशन बता रही हूँ, देखो आपके दो एसिटिक एसिड थे CH3COOH, ऐसे नीचे था CH3, दो थे, दो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल में से एक क्या निकल जाता है, H2O निकल जाता है। यहां से अगर H2O निकल गया तो आपका क्या बनेगा, देखो यहां से निकल गया ये O, दो जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन लिंक से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रिपरेशन किसकी, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो अब आप क्या करोगे, सैलिसिलिक एसिड को किसके साथ ट्रीट कराओगे, एसिटिक एनहाइड्राइड किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, यहां से H, देखो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, ठीक है। अब ये बॉन्ड टूट गया तो आपका क्या बनेगा, यहां से क्या निकलेगा, CH3, यहां से H, और यहां से आपका ये वाला पार्ट, ठीक है। वापस से क्या निकल गया, एक एसिडिक एसिड निकल गया CH3COOH, और ये जो है CO, देखो बॉन्ड यहां से टूटा तो कनेक्ट भी यहीं से होगा, तो आपका क्या बनेगा, ये बेंजीन, ये O, ठीक है, और ये वाला पार्ट आया, तो यहां से क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है CH3, और यहां पे ऑलरेडी आपका क्या था COOH, ये आपका क्या है,
एस्प्रिन। बेटा याद रखना एस्प्रिन क्या होता है, ये हम चैप्टर नंबर अब लास्ट चैप्टर है, 16 चैप्टर है, ठीक है, उसमें भी आपका आएगा एस्प्रिन के बारे में, वहां काफी डिटेल में पढ़ोगे तो वहां पे स्ट्रक्चर भी आएगा, ठीक है। तो आप याद रखना ये हमने कहां से बना था, कोल्स, ये एक्चुअल में क्या है, कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस से ही बना है। कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस से आपने फिनोल से क्या बनाया, सैलिसिलिक एसिड, और सैलिसिलिक एसिड से आपने क्या बनाया, एस्प्रिन बनाया, ठीक है। तो देखो फिनोल से आपने CO2 के साथ ट्रीट कराया सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट कराया तो आपका क्या बना, एस्प्रिन। फ्रेंड्स अवर नेक्स्ट यूज ऑफ सैलिसिलिक एसिड इज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सैलोल। अब देखो सैलोल क्या है, ये एंटीसेप्टिक है, ठीक है, इंटेस्टिनल एंटीसेप्टिक है, इसी को बनाने में किसका यूज होता है आपका, सैलिसिलिक एसिड। तो देखो आप क्या करोगे, सैलिसिलिक एसिड क्या था आपका, OH एंड देन COOH, ठीक है, इसको आप फर्दर ट्रीट करा दो किसके साथ, फिनोल के साथ, C6H5OH, क्या है ये आपका फिनोल। अब फिनोल है तो देखो यहां से क्या आ रही हूं होगा आपका H2O, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, POCl3 की प्रेजेंस में, POCl3, ठीक है। तो यहां से O H मीन्स फिनोल आपने निकल गया, या O कहीं से निकालो, आपको क्या निकालना है, वॉटर मॉलिक्यूल निकालना है, ठीक है, ये सब छोड़ो, आपको क्या निकालना है, H2O निकालना है, ठीक है, इतना याद रखो। तो ये पार्ट चाहे क्या कनेक्ट होगा, यहाँ पे देखो ये OH, ये आपका CO, C6H5, और यही आपका क्या है, सैलोल, ठीक है। तो दो मैन्युफैक्चरिंग पढ़ी हमने, एक तो एस्प्रिन और एक सैलोल। एस्प्रिन में तो हम सैलिसिलिक एसिड को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट कराते हैं, ठीक है, किसको, आपके सैलिसिलिक एसिड को एसिटिक एनहाइड्राइड, तो एस्प्रिन बना। और सैलिसिलिक एसिड को अगर फर्दर फिनोल के साथ ट्रीट करा दिया तो आपका क्या बनेगा, सैलोल। फ्रेंड्स अवर नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज अनदर नेम रिएक्शन विच इज नोन एज Riemann-Tiemann रिएक्शन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोल्ब्स रिएक्शन और Riemann-Tiemann रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मैंने आपको एंटीसेप्टिक एस्प्रिन सैलोल बताया, वो उसका यूज जो था आपका बेंजल सैलिसिलिक एसिड का, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोल्ब्स रिएक्शन से तो बनता है आपका सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, कि बेंजीन था OH था और साइड में क्या था, और तो पोजिशन पे COOH ग्रुप। और जबकि Riemann-Tiemann रिएक्शन है इसमें क्या बनता है, सैलिसिलिडिहाइड, जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप था ऑर्थो पोजीशन पे, वहां पे क्या होगा आपका, एल्डिहाइड ग्रुप होगा, ये डिफरेंस है। यहाँ पे आप किसके साथ ट्रीट कराते हो, देखो यहाँ पे आप रिएक्शन ऑफ फिनोल किसके साथ ट्रीट कराओगे, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3। तो देखो फिनोल को ट्रीट कराओ किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3, किसकी प्रेजेंस में, एक्वस NaOH। पहली बात तो एक्वस NaOH के प्रेजेंस में ये क्या बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड। देखो मैकेनिज्म पार्ट अलग है, मैं अभी आपको जस्ट रिएक्शन लिखना बता रही हूँ, मैकेनिज्म पार्ट कंप्लीट डिस्कस करूंगी। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ क्या बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड बनेगा O नेगेटिव Na, और ऑर्थो ग्रुप पे क्या जाएगा आपका, CHCl2 ये जाएगा, और यहां से आपका क्या निकल गया, एक जो रिमूव होगा वो आपका क्या हुआ है, इस रिएक्शन में NaCl निकला है और H2O निकला है, माइनस NaCl हुआ और माइनस H2O, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखो ये इसका इंटरमीडिएट पार्ट है, अभी क्या होगा, फिर से दो मॉलिक्यूल ऑफ NaOH के साथ ट्रीट कराओ, मैं नीचे लिख रही हूं, दो मॉलिक्यूल ऑफ NaOH वो आपको क्या देंगे, OH नेगेटिव देंगे, और OH नेगेटिव देंगे तो देखो यहां से क्या निकलेगा, OH नेगेटिव यहां से क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव, यहां से कितने NaCl निकले, 2 NaCl चले गए, और हर एक Cl की जगह क्या आ गया आपका, OH आ गया, तो आपका क्या बन गया, O नेगेटिव CHOH और OH, ठीक है। ये आपका इंटरमीडिएट स्टेज है,
इसके बाद हम क्या लिखा है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिस। ये छोड़ दो, पहले तो यहां से ये चीज क्या होती है, अनस्टेबल। यहां से आपका क्या होगा, एक एच टू मॉलिक्यूल निकल जाएगा माइनस एच टू, यहाँ पे क्या आपका एन है, ठीक है। अभी हाइड्रोलिसिस नहीं कराई है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे। पहले तो आपका एच टू निकला, यहाँ पे क्या बना आपका ओ एन ए, और सी एच ओ बचा, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। अब इसमें क्या डालोगे, एसिडिक मीडियम में एच प्लस अब एड कर दो, ठीक है। एच प्लस एड करोगे, एच सी एल डालोगे तो क्या बनेगा, ये NaCl निकल गया और Na की जगह क्या आ गया आपका OH, और यहाँ क्या आपका CHO। यही आपका क्या है, सैलिसाइल्डिहाइड। इसको देखो, यही ट्रायोटी ऑर्डर में ज्यादा, तो ये वन ये टू, तो क्या बना टू हाइड्रोक्सी, वो क्या था बेंजोइक एसिड, ये क्या है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, जिसको आप क्या बोलते हो सैलिसाइल्डिहाइड, एल्डिहाइड है। यहाँ पे कोल्ब्स रिएक्शन में यहाँ पे कार्बोक्सिलिक COOH ग्रुप था, यहाँ पे CHO ग्रुप। आई होप रिएक्शन सबको याद आ गई। देखो जब भी हम क्लोरोफॉर्म एक्वस NaOH के साथ ट्रीट कराएंगे, वो रिएक्शन क्या बोली जाएगी, रीमन टीमन रिएक्शन। यहाँ पे आपका फिनोल था तो ये प्रोडक्ट बना। देखो क्वेश्चन आता है, मैंने यहाँ ऑर्थो प्रोडक्ट बनाया है, आप देखोगे तो ऑर्थो प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट है, कुछ थोड़ा बहुत अगर पैरा बना तो बना, नहीं बनाते हैं, ठीक है। ऑर्थो प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट है, बनता भी वही है। वो क्यों बनता है, क्यों बना यहाँ पे, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगी। पहले तो आप इसको नोट डाउन करो, उसके बाद मैं मैकेनिज्म डिस्कस करती हूँ। स्टूडेंट्स देखो, मैकेनिज्म पार्ट डिस्कस करे तो देखो, सबसे पहले तो आपका ये जो फिनोल है, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, ये OH नेगेटिव देगा, ये H देगा, क्या निकल गया H2O, ये Na इसके साथ चला गया, क्या बन गया सोडियम फिनोक्साइड O Na, ठीक है। जो मेन रोल है इसका वो क्या है आपका, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का। देखो इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, ये आपका क्या था CH Cl3 क्लोरोफॉर्म था, ये स्टेप नंबर वन है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म था, NaOH है आपका, ठीक है। अगर यहां पे देखें तो ये क्या करेगा, यहां से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा और यहां से क्या रिलीज करेगा, H प्लस रिलीज करेगा, और H प्लस रिलीज करेगा यहां से क्या निकलेगा, यहां से H और यहां से OH। अब अल्टीमेटली ये भी ठीक है, यहां से क्या निकल गया माइनस H2। अब माइनस H2 निकल गया तो आपका क्या बचा, देखो ये क्लोरीन, ये कार्बन, ये क्लोरीन, क्लोरीन। इस बॉन्ड में क्या थे, दो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों ये लेके आया, एक तो इस कार्बन का था, एक इस हाइड्रोजन का, इसने जो गेन किया अपना तो है, हाइड्रोजन का भी लेके आया। तो भाई दो लोन पे आए, एक तो इसका दो इलेक्ट्रॉन आए, एक तो इसके खुद का था, एक हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो कितना चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है। और ये जो नेगेटिव कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। ये स्टेबलाइज होती है, प्लस साइड इफेक्ट शो करेगा, ये अपने पे नेगेटिव चार्ज नहीं रखना चाहेगा, ये कहेगा क्लोरीन से भाई मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुम ले लो, ठीक है। तो क्लोरीन क्या करेगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर निकल जाएगा, ठीक है। निकल गया तो क्या बना, देखो माइनस Cl नेगेटिव चला गया, इसने ये नेगेटिव चार्ज ले लिया तो कार्बन क्या रह गया, पॉजिटिव हो गया और नेगेटिव चार्ज लेके चला गया, दो इलेक्ट्रॉन पे, और यहाँ पे क्या आपका Cl और Cl, अब कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। ये क्या आपकी कार्बीन, ठीक है। कार्बीन की अगर हाइब्रिडाइजेशन आप चेक करोगे अपने फॉर्मूले से तो क्या आएगी, ये sp2 हाइब्रिडाइज आएगी, आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन पार्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से दिखाया था बी ब्लॉक में, ठीक है। तो जो कार्बीन है आपकी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसकी नेमिंग करोगे तो क्या बोलोगे, डाइक्लोरो कार्बीन। नेम क्या होगा इसका, डाइक्लोरो कार्बीन, ठीक है। तो ये बताओ क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच है। कार्बन के पास अगर देखोगे तो देखो ये दो इलेक्ट्रॉन और दो ही है, तो टोटल कार्बन की सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इट मींस ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है,
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल व इलेक्ट्रॉन लविंग, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये किसकी तरह काम कर रही है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रही है। और देखो जनरली इलेक्ट्रोफाइल पे आप देखते हो ना पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन ये कैसा इलेक्ट्रोफाइल है, ये एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। तो सबसे पहले NaH की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन होगी, क्या क्या जनरेट होगा, थी कार्बीन जनरेट होगी CCl2, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो किसकी तरह काम करेगी, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगी। अब ये इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा, फिनोल के ऊपर, फिनोक्साइड के ऊपर अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करेगा। तो पहले आप ये नोट डाउन करो, फिर मैं इसके आगे के मैकेनिज्म बताती हूँ स्टेप वाइज। तो देखो अब क्या होगा, ये आपका फिनोक्साइड आयन बना था, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां ट्रांसफर करेगा, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां ट्रांसफर की तो इसलिए इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, ठीक है। अभी तो आप जस्ट मान लो ऑर्थो पर ही आए, वैसे तो ये ऑर्थो पैरा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा पर होगी, लेकिन ये जो है जो कार्बिन जो बनी ये किस पे अटैक करती है, ऑर्थो पे अटैक करती है, इसका पैरा प्रोडक्ट नहीं बनता, क्यों नहीं बनता वो इसके बाद में देखेंगे, ठीक है। तो आप समझिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हुई तो ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इसको देगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो क्या बनाएगा आपका, यहाँ पे H तो ऑलरेडी है ही हर एक कार्बन के पास, और इसके पास क्या आ गया CCl2 और ये क्या आ गया O नेगेटिव एंड दिस वन, ठीक है। अब आप इसको किसके साथ ट्रीट कराओ, 2NaOH के साथ ट्रीट कराओ, कराया था हमने 2NaOH के साथ, यहां से क्या निकल जाएंगे 2NaCl, 2NaCl बन गए, 1NaCl 1Na1Cl और दोनों जगह क्या आ जाएगा आपका OH ग्रुप, ये O नेगेटिव और ये C, ये H है ही आपका OH एंड OH। और मैंने कहा था ये वाली जो है हाईली क्या है, अनस्टेबल है, ये क्या है अनस्टेबल है, ये अपने में से क्या करेगी वॉटर मॉलिक्यूल रिमूव करेगी, माइनस H2O और ये O नेगेटिव और यहां क्या बन गया CHO LDI। अब इसका क्या करा दो, HCl के साथ ट्रीट करा दो, ठीक है, तो ये क्या देगा H+ देगा, वो H+ यहां चला जाएगा तो ये OH और COH, ये आपका क्या बना, ये वन पोजीशन, ये टू क्योंकि इसको प्रायोरिटी ज्यादा देते तो टू हाइड्रोक्सी बेंजल की हाइड, ठीक है। तो ये था पूरा मैकेनिज्म पार्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि ये ऑर्थो बना, अगर ये यहाँ पैरा पे भी लग सकता है, क्यों, क्योंकि फिनोक्साइड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पर लाता है और पैरा पर लाता है, तो ऑर्थो के साथ साथ क्या बनना चाहिए, पैरा। तो अब हम वही देखेंगे पैरा प्रोडक्ट क्यों नहीं बना। तो स्टूडेंट देखो ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन होता है, पैरा सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। पहला जो रीजन है वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पे, इंट्रा, उसी मॉलिक्यूल में क्या, और ये इंट्रा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, ये आपका फिनोल ये था, हम ये बोल रहे थे कि यहां पर CHO क्यों आया, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर CHO यहां आता तो यहां पर क्या हो गई आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पैरा पे जाएगा, देखो यहाँ पे विदिन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही, तो वो बनाना पसंद करेगा, ये क्या बन रहा है उसके बाद स्टेबल बन गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, इसीलिए इसका ऑर्थो प्रोडक्ट क्या है ज्यादा बनता है। और सेकंड रीजन की बात करें तो देखो आपका फिनोक्साइड आयन O नेगेटिव, ठीक है। अब देखो इसके दो इफेक्ट है O नेगेटिव के, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस का इफेक्ट शो करेगा, और ये रिंग में भी इलेक्ट्रॉन देता है तो वो कौन सा इफेक्ट होता है, एम इफेक्ट बोल सकते हो, मीजोमेरिक इफेक्ट बोल सकते हो, ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट है, मीजोमेरिक इफेक्ट है। अब जो इसका रिंग में इलेक्ट्रॉन देने वाला जो इफेक्ट है, आप प्लस आर इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट भी बोल सकते हो, जो रिंग में देने वाला इलेक्ट्रॉन वो यहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, यहां भी बढ़ाता है, यहां भी बढ़ाता है, तो आप बोल सकते हो ये क्या करता है, ये वाला इफेक्ट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन
density at ortho and para equally, चाहे ortho पे हो या para पे हो, equally बढ़ाएगा, ठीक है भाई। प्लस आई इफेक्ट का मतलब भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना होता है, तो ये प्लस आई इफेक्ट की वजह से भी क्या बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। लेकिन आपको पता है जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है विद इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस। जैसे जैसे आप दूर जाते हो प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है, इट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा प्लस आई इफेक्ट की वजह से। तो ऑर्थो पे तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा करता है, पैरा क्या हो गया दूर हो गया, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ऑर्थो पे तो बढ़ गई लेकिन पैरा पे क्या हो गई, कम हो गई। तो देखो ऑर्थो पे तो आपका प्लस भी बढ़ा रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और आई जो था वो भी बढ़ा रहा है, लेकिन पैरा की बात करें, इधर मैं येलो कलर से शो कर रही हूं, पैरा पे एम तो बढ़ा रहा है लेकिन आई वाला इफेक्ट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, ऑर्थो पे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए ज्यादा अच्छी पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो, इसीलिए आपका क्या बनता है, ऑर्थो प्रोटेक्ट बनता है। तो स्टूडेंट देखो एक क्वेश्चन आई थी के बेसिस पे आपको ये दिया हुआ है, जब CHCl3 और NaH मैंने लिख दिया, मींस कौन से इलेक्ट्रोलिसिस है आपके, क्या कौन सा ग्रुप अटैक, मतलब अल्टीमेटली प्रोडक्ट में क्या आएगा, विमर टीमर रिएक्शन है, अल्टीमेटली क्या जाएगा आपका, CHO ग्रुप जाएगा, ठीक है। अब CHO जाएगा तो CHO कहाँ जाता है, ऑर्थो पोजीशन पे जाता है, तो यहाँ पर तो ऑर्थो पोजीशन क्या है, ऑलरेडी ऑक्यूपाई है, तो इट मीन्स ये ऑर्थो खाली है और एक ये पैरा खाली है, तो आपका CHO ग्रुप कहाँ अटैक होना चाहिए, ऑर्थो पे या पैरा पे। तो देखो आपने जो अभी तक प्रीवियस नॉलेज ली तो आपने देखा था कि ऑर्थो क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शो करता है, तो इट मीन्स आप बोलोगे कि मैम ऑर्थो पोजीशन एक खाली है लेकिन एक ऑलरेडी ऑक्यूपाई है, तो आप बोलोगे CHO ग्रुप यहाँ जाएगा। लेकिन जब याद रखना बेटा, अगर एक भी ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाई हो गई तो जो CHO ग्रुप है वो ऑर्थो पे नहीं जाएगा, फिर क्या बनेगा आपका, पैरा प्रोडक्ट बनेगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर आप ऐसे लगाओगे तो ये आपका फिनोल है और यहाँ क्या आएगा आपका CHO और यहाँ ऑलरेडी क्या है OCH3, तीन तीन बल्कियर ग्रुप एक साथ आ गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ बोल सकते रिपल्शन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा रिपल्शन। तो आपका मेजर प्रोडक्ट, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, OH OCH3 और यहाँ पे क्या आएगा CHO, ये क्या होगा मेजर प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। जो आपने देखो रिमर टीमर में क्या यूज किया था, क्लोरोफॉर्म यूज किया था, CHCl3 यूज किया था, ठीक है। तो आपका क्या बना था, सैलिसाइल्डिहाइड। अब हम देखिए हम CHCl3 की जगह अगर CCl4 लिया है तो क्या बनेगा, ठीक है। देखो आपका फिनोक्साइड आयन बन गया था, ठीक है, ये स्टार्टिंग में इस रिएक्शन लिख रही हूँ। आप क्या, आपने क्या यूज किया है, CCl4 इंस्टेड ऑफ CHCl3 और क्या डाला, NaH डाला। तो यहाँ पे देखो जब CHCl3 था तो अटैक CCl3 किया था, अब यहाँ पे अटैक वहां पे किसका अटैक हुआ था, CCl2 का अटैक हुआ था, अब यहाँ पे किसका अटैक होगा, CCl3 का अटैक। एक CL तो निकल जाता है ना, मैकेनिज्म में देखा था, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया था, तो यहाँ CCl3 बनेगा जब CCl4 है, और जब CHCl3 था तो क्या बना था, CCl2। अब आप इसको ये इंटरमीडिएट स्टेज ओ नेगेटिव, अब किसके साथ ट्रीट कराओगे इसको, NaH के साथ ट्रीट कराओगे, कितने NaH लाओगे, तीन NaH, तीन NaCl निकालने हैं आपको, ठीक है। तो ये OH और ये C, यहाँ पे OH आया, यहाँ पे OH आया और यहाँ पे OH आया। अब देखो यहां से अगर आप H2O निकालते हो तो यहाँ क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, और ये OH रह गया तो आपका क्या बन गया, फिनोल के ऊपर एसिटिक COOH ग्रुप आ गया, क्या बन गया आपका, सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, कोल्स वाली रिएक्शन का प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है अगर रिमर टीमन में आपने क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज कर लिया तो आपका क्या बनेगा, सैलिसाइल्डिहाइड नहीं, क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड। तो स्टूडेंट्स ये था आपका ओवरऑल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन. अभी कुछ केमिकल रिएक्शंस और बची हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.